हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। वी आर डूइंग 365 डेज 365 वीडियोस। इन लॉकडाउन के दिनों में हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री डेंटल कंसल्टेशन। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। आई विल ट्राई टू हेल्प यू द वे पॉसिबल। आइए बात करते हैं आज के लेक्चर की। टॉपिक ऑफ द डे इज फिनिश लाइन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटेंट्स। तो मोस्टली हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल एंड फिनिश लाइंस कौन कौन सी टाइप्स की हैं। बस आज हम यही बात करने वाले हैं, बिकॉज यही बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री इज टू कंजर्व एज मच टूथ स्ट्रक्चर एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद द मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रिंसिपल ऑफ टूथ प्रिपरेशन। तो जितना हो सके हमने जो ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर है उसको बचाना है, कंजर्व करना है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच होनी चाहिए, हमें टूथ स्ट्रक्चर को वेस्ट नहीं करना है जब हम क्राउन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रेस्टोरेशन कैन सर्वाइव इन अ बायोलॉजिक एनवायरनमेंट ऑफ द ओरल कैविटी ओनली इफ द मार्जिन आर क्लोजली अडेप्टेड टू द फिनिश लाइन्स ऑफ द प्रिपरेशन। जब फिनिश लाइन्स का बहुत बड़ा रोल है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो क्राउन है रेस्टोरेशन है वो ज़्यादा देर मुँह में चले, उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो, तो उसके लिए हमें उसकी फिनिश लाइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। According to the definition, finish line refers to the border of preparation where the prepared tooth structure meets the unprepared surface of tooth. According to Rosenstiel, it's a line of demarcation, the peripheral extension of tooth preparation, the planned junction of different materials, the terminal portion of prepared tooth. Simple hai, koi zyada complicated nahi hai. Ye finish line aakhir hai kya? उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ से हमें समझ आएगा कि किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है फिनिश लाइंस, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक फिनिश लाइंस को सक्सेसफुल होने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक परफेक्ट फिनिश लाइन के लिए, उसकी क्या क्या प्रिंसिपल हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, जो कि बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूथ स्ट्रक्चर को जितना हो सके हमने सेव करना है। सेकेंड इज रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस फॉर्म। अगर आपको याद हो आपका फाइनल ईयर प्रोस्टो, तो वहाँ आपने पहली बार ये टर्म्स पढ़ी होंगी, रिटेंशन रेजिस्टेंस। मैकेनिज्म सेम है, बस यहाँ पे हमने उसको अप्लाई करना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी, यानी मार्जिनल ज्योमेट्री में ये इसका रोल है। देन मार्जिनल इंटीग्रिटी, जो मार्जिनल अडेप्टेशन होती है उसमें इसका रोल है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिडोंशियम, मार्जिन प्लेसमेंट। तो ये पांच इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं। सो प्रिजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, अवॉइड एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, डिजाइन रेस्टोरेशन टू रीइंफोर्स एंड प्रोटेक्ट रिमेनिंग इनेमल एंड डेंटिन, रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस। ये वही कंसेप्ट है जो हमने फाइनल ईयर की प्रोस्टो में पढ़े थे फर्स्ट टाइम। रिटेंशन जो होता है अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस होता है, जो फोर्सेज लॉन्ग एक्सिस पे काम करती हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है वो अपाइकल एंड ऑब्लीक फोर्सेज के अगेंस्ट काम करता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। Retention prevents removal of the restoration along the path of insertion or long axis. Path of insertion or long axis. Resistance prevents dislodgement of the restoration by the apical or oblique forces. अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कैसे वर्टिकल फोर्सेज के अगेंस्ट काम कर रहा है, और यहाँ पे ऑब्लीक, यहाँ अपाइकल फोर्सेज। ये डायग्राम्स जो है पूरी तरह एक्सप्लेन करती है इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। टेपर, फ्रीडम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ डायग्राम्स हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे देख के। मोस्टली जो पाथ ऑफ इंसर्शन होना चाहिए क्राउन का या एक एफपीडी का, वो सिंगल होना चाहिए। फॉर दैट केस रिमूवेबल जो प्रोसेस होते हैं उनका भी सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन इज द बेस्ट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल फीचर, सॉरी उसके बाद हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल फीचर। तो बॉक्स, ग्रूव, पिन होल, हम जानते हैं बेसिक इनके बारे में। पाथ ऑफ इंसर्शन जो मैंने अभी बात की कि पाथ ऑफ इंसर्शन जो है वो सिंगल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ऑफ इंसर्शन होना चाहिए।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी की, तो एडिक्वेट स्पेस क्रिएटेड बाय टूथ प्रिपरेशन, ऑक्लूजल रिडक्शन एंड एक्सिल रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मार्जिनल इंटीग्रिटी, मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन मस्ट क्लोजली अडेप्ट टू फिनिश लाइन फॉर प्रिपरेशन। कन्फिगरेशन ऑफ द प्रिपरेशन फिनिश लाइन डिक्टेट्स द शेप ऑफ रेस्टोरेटिव मटीरियल इन द मार्जिन ऑफ रेस्टोरेशन, टू वी वेल और नॉट टू वी वेल। तो हमने जो फिनिश लाइन है वहाँ पर कौन सा एंगल देना है, शैम्फर है, शोल्डर है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट फिनिश लाइन्स, फिनिश लाइन की कौन सी क्या क्या टाइप्स हैं और कैसे कैसे क्या क्या। तो फिनिश लाइन इन एक्स्ट्रा क्रोनल रेस्टोरेशन, तो फिनिश लाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या क्या टाइप्स हैं उनकी। तो फर्स्ट इज शैम्फर, हैवी शैम्फर, शोल्डर, स्लोपिंग शोल्डर, रेडियल शोल्डर, शोल्डर विद वेल, नाइफ एज, फेदर एज एंड चिजल एज, ये सब टाइप्स हैं फिनिश लाइन्स की। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिनिश लाइन की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, मार्जिनल विड्थ लेस देन 0.3 mm इज नाइफ एज और फेदर एज, मार्जिनल विड्थ अप टू 3 mm इज शैम्फर एंड मार्जिनल विड्थ ग्रेटर देन 0.3 mm इज शोल्डर। ये हम मार्जिनल विड्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब शैम्फर की बात, अब हम शैम्फर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो शैम्फर, ये जो डायग्राम्स हैं साइड पे, ये ज़रूर देखते रहिएगा, ये वाली और ये वाली, ये हर एक सीक्वेंस में आएगी और आपको कंपेयर और आपको कंपैरिजन करने में आसान रहेगा। अकॉर्डिंग टू GPT, अ फिनिश लाइन डिजाइंस फॉर टूथ प्रिपरेशन इन विच द जिंजाइवल एस्पेक्ट मीट द एक्सटर्नल एक्सियल सरफेस एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप एंगल देख रहे हैं, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। कॉनकेव एक्स्ट्रा क्रोनल फिनिश लाइंस दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा एंगुलेशन देन अ नाइफ एज एंड लेस देन अ शोल्डर। तो शोल्डर से कम और नाइफ एज से ज़्यादा इसकी एंगुलेशन होती है। इसके एडवांटेज की अगर बात करें हम, तो डिस्टिंक्ट मार्जिन, एडिक्वेट बल्क एंड ईजियर कंट्रोल। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो केयर नीड्स टू अवॉइड अनसपोर्टेड लिप ऑफ एनेमल एंड कास्ट मेटल रेस्टोरेशन, लिंगुअल मार्जिन ऑफ मेटल सिरेमिक। तो कास्ट मेटल में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा लिंगुअल मार्जिन ऑफ PFM यूज़ कर सकते हैं। अगर बर की बात करें कि कौन से बर यूज़ करने हैं, दैट इज़ राउंड एंड टेपर एंड राउंड एंड टेपर, आप देख सकते हैं दोनों की पिक्चर्स दी हैं। उसके बाद बात करें हम हैवी शैम्फर की, वो शैम्फर था, ये हैवी शैम्फर है, इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लांट थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा हो गया। ये प्रोवाइड 90° केवो सरफेस एंगल विद अ लार्ज रेडियस राउंडेड इंटरनल एंगल। अलॉन्ग विद दैट अ बीवेल कैन बी एडेड टू द हैवी शैम्फर फॉर यूज विद मेटल रेस्टोरेशन। तो बीवेल ऐड कर सकते हैं अगर मेटल रेस्टोरेशन है तो। एडवांटेजेस की बात करेंगे तो बेटर सपोर्ट फॉर सिरेमिक क्राउन। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो अनस्किल्ड ऑपरेटर कैन क्रिएट अ अनडिजायरेबल फ्रेजाइल लिप ऑफ एनेमल एट केवो सरफेस। इंडिकेशन क्या है, सिरेमिक क्राउन विद बीवेल मेटल क्राउन्स, बर राउंड एंड टेपर, ऊपर से टेपर है और ये राउंड एंड है, राउंड एंड है और ये टेपर, बर इज राउंड एंड टेपर। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट वन की, दैट इज शोल्डर। शोल्डर बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं जैसे 90° का बैंड है इसमें, ये देखिए, अगर हम झूला कंपेयर कर रहे हैं अभी तक सभी को, तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। फिनिश लाइन ऑफ चॉइस फॉर ऑल सिरेमिक क्राउन्स, मोस्टली हम यूज़ करते हैं वाइड लेज, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू ओक्लूजल फोर्सेस, प्रोड्यूस स्पेस फॉर हेल्दी रेस्टोरेशन कंटूर्स एंड मैक्सिमम एस्थेटिक्स। तो मैक्सिमम एस्थेटिक्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एडवांटेज, बल्क रेस्टोरेटिव मटीरियल, लेस कंजर्वेटिव ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ऑब्वियसली, लेस कंसंट्रेशन एट 90°, इंटरनल एंगल ऑफ द फिनिश लाइन हैंस कंड्यूसिव फॉर क्रोनल फ्रैक्चर। ये इसका एक डिसएडवांटेज है और इसका एक मॉडिफिकेशन है जो इसको दूर करता है, वो हम आगे बात करेंगे। इंडिकेशन इज फेशियल मार्जिन ऑफ मेटल सिरेमिक क्राउन एंड कंप्लीट सिरेमिक क्राउन, फ्लैट एंड टेपर बेस्ट क्राउन, बेस्ट बर टू यूज़। उसके बाद आता है रेडियल शोल्डर, जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी एक मॉडिफिकेशन है जो उसका वो डिसएडवांटेज को दूर करता है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शोल्डर फिनिश लाइन, सपोर्ट ऑफ सिरेमिक रेस्टोरेशन इज गुड, एडवांटेज स्ट्रेस कंसंट्रेशन लेस देन द क्लासिक शोल्डर, जो मैं आप बात कर रहे थे, लेस कंसंट्रेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर एंड फेशियल मार्जिन ऑफ मेटल सिरेमिक क्राउन एंड कंप्लीट सिरेमिक क्राउन, बर फ्लैट एंड टेपर एंड कटिंग कार्बाइड फिनिश बर, मॉडिफाइड बाइन एंगल चिजल, शोल्डर विद विवेल, ये शोल्डर है जस्ट लाइक
नॉर्मल शोल्डर बट विद द बेवल. इसके एडवांटेज है बल्क ऑफ मटेरियल, डिसएडवांटेज है लेस कंजर्वेटिव एक्सटेंड प्रिपरेशन अपाइकली. इंडिकेशन है फेशियल मार्जिन्स ऑफ पोस्टीरियर मेटल सिरेमिक क्राउन विद सुप्रा जिंजाइवल मार्जिन्स. इसके यूजेज हैं इतना जरूरी नहीं है. स्लोपिंग शोल्डर, स्लोपिंग शोल्डर जो है 120 डिग्री, 120 डिग्री स्लोप शोल्डर मार्जिन शुड यूज एन अल्टरनेटिव टू द 90 डिग्री शोल्डर फॉर द फेशियल मार्जिन ऑफ अ मेटल सिरेमिक क्राउन. रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग अनसपोर्टेड एनामल जो कि शोल्डर में रह जाती है. प्रोवाइड्स सफिशियंट बल्क टू अलाउ थिनिंग ऑफ मेटल फ्रेम टू फाइन एज फॉर एक्सेप्टेबल एस्थेटिक. तो एस्थेटिक्स जो है वो ज़्यादा बेटर आएंगे. एडवांटेज बल्क ऑफ मटीरियल लेस कंजर्वेटिव ऑफ टूथ स्ट्रक्चर फेशियल मार्जिन ऑफ मेटल सिरेमिक क्राउन. नाइफ एज फेदर एज ये कब यूज होती है. द अल्टीमेट फिनिश लाइन दैट परमिट्स एन एक्यूट मार्जिन ऑफ मेटल. यूज लिंगुअल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ वेरी कॉन्वेक्स एक्सल सरफेसेस सरफेस टूवर्ड्स विच टूथ इज टिल्टेड. डिसएडवांटेज इज एक्सल रिडक्शन में फेड आउट थिन मार्जिन डिफिकल्ट टू वैक्स एंड कास्ट ओवर कंटूर रेस्टोरेशन. चिजल एज इट इज एन वेरिएशन टू फेदर एज. इतना कॉमनली यूज नहीं होता है पर फिर भी अगर आपको समझना है तो आप जरूर एक बार पढ़ लें. फॉर्म्ड व्हेन देयर इज लार्जर एंगल बिटवीन एक्सल सरफेस एंड द अनप्रिपेयर्ड टूथ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एक्सेसिवली टेपर्ड प्रिपरेशन. ये डायग्राम्स हैं कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं. टाइप ऑफ फिनिश लाइन शैम्फर विद बल्क एट द फिनिश लाइन. ये शैम्फर है आप देख सकते हैं एंगल. अगर आप ये देखें 90 डिग्री एंगल ये शोल्डर है उसी तरह आप देख सकते हैं. उसके बाद यही सेम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है. एक और चीज़ है जो मुझे आपको समझानी थी दैट इज ये मार्जिन प्लेसमेंट कि मार्जिन कहाँ प्लेस करना ये बहुत ज़रूरी है. सुप्रा जिंजाइवल इक्वी जिंजाइवल एंड सब जिंजाइवल. अगर हम देख रहे हैं तो सुप्रा जिंजाइवल कहाँ है. ये सुप्रा जिंजाइवल है. ये हमारी आगे इक्वी जिंजाइवल और ये देख बिल्कुल अंदर चलिए तो सब जिंजाइवल. सुप्रा जिंजाइवल की बात करें तो प्लेस इन नॉन एस्थेटिक एरिया पोस्टीरियर में दे सकते हैं. लेस इम्पैक्ट ऑन पैराडोनशियम तो पैराडोनशियम पे इसका इफेक्ट बहुत कम होता है तो इट्स सेफ. उसके बाद अगर इक्वी जिंजाइवल की करें तो एट द क्रेस्ट ऑफ मार्जिनल जिंजाइवा बिल्कुल मार्जिनल जिंजाइवा के साथ होती है. मोर इम्पैक्ट ऑन द पैराडोनशियम पे इम्पैक्ट है मोर प्लग रिटेंटिव. ठीक है सब जिंजाइवल की बात करें बिलो द जिंजाइवा जैसे हमने देखा ग्रेटेस्ट बायोलॉजिक रिस्क तो रिस्क तो है इसका. मैनी मे वायलेट जिंजाइवल अटैचमेंट अपैरेटस. तो अगर हम तीनों की बात करें सबसे बेस्ट कौन सी है. सबसे बेस्ट अगर हम अगर पॉसिबल हो तो हम सुप्रा जिंजाइवल ही दें. इफ़ नॉट पॉसिबल तो इक्वी जिंजाइवल या सब जिंजाइवल. लेकिन पॉसिबल हो तो सुप्रा जिंजाइवल दें. जहाँ पर एस्थेटिक्स का आ जाता है वहाँ पर हम सब जिंजाइवल ही जाना पड़ेगा. मार्जिन प्लेसमेंट गाइडलाइंस तो इफ द सर्कल मार्जिन प्लेसमेंट गाइडलाइंस इफ द सर्कल्स प्रोब्स 1.5 mm और लेस प्लेस द मार्जिन 0.5 mm बिलो द जिंजाइवल क्रेस्ट. तो ये है कि हमने कहाँ प्लेस करना है तो हमें सर्कस में जो प्रोब डाल के देखना है उसकी जो लेंथ है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पे हम मार्जिन को प्लेस कर सकते हैं. सेकेंड इफ द प्रोब डेप्थ मोर देन 1.5 mm प्लेस द मार्जिन हाफ द डेप्थ ऑफ द सर्कस बिलो द क्रेस्ट. इफ द प्रोब डेप्थ इज मोर देन 2.0 mm देन जिंजिवेक्टमी इज एडवोकेटेड. आई थिंक आज के लिए काफ़ी हुआ. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर इन द स्टूडियो एंड यू आर वॉचिंग द विजडम ट्रुथ. अगर आपको कोई भी सवाल है कोई भी रिकमेंडेशन है कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. सी यू टुमारो.